देखिए, जब एक छोटा बच्चा 3 या 4 साल का होता है, उसे नहीं मालूम होता कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज की क्या ताकत है, वो कैसा दिखता है। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रत्येक बच्चे पहचाने अपने ध्वज को, उस शान को, उसके मान को वो ऊपर लेके जाए और उसको अपने दिल में बसाए। कितना समय लग जाता है एक बार ध्वज को ऊपर जाने में? सर, एक बार ध्वज को ऊपर जाने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है, पर वो 4 से 5 मिनट आप मानिएगा नहीं, ऐसा लगता है कि वो पूरे 4-5 साल के बराबर वो आप उसके जोश को आप फील कर पाए। मुझे लगता है कि बीइंग अ स्कूल के डायरेक्टर होने के उससे हमें बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, और सिंस बिगनिंग ही सिखाना चाहिए ताकि बच्चे बड़े होने तक बच्चों में ये भावना रहे। ये ऑरेंज कलर डिपिक्ट करता है करेज और स्ट्रेंथ, व्हाइट कलर डिपिक्ट करता है पीस, और उसमें जो ब्लू धर्म है वो डिपिक्ट करता है ट्रुथ, और जो ग्रीन कलर है वो डिपिक्ट करता है अबंडेंस, ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड ऑस्पिशियसनेस। बच्चों को वही मैसेज दिलवाना है कि इस ध्वज की आपको रिस्पेक्ट पूरी करनी चाहिए, और जितने भी हमारे फौजी भाई हैं जो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, झंडे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए बहुत सल्यूट है अपने दिल से। हमारे देश का तिरंगा सिर्फ एक देश की पहचान ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए आन बान और शान है। तिरंगे को लहराता देख हर आंख में चमक है और हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज एक ऐसा ही वाक्या पठानकोट में देखने को मिला। प्रतापगढ़ स्कूल द्वारा एक ऐसा प्रयास किया गया कि पठानकोट ज़िले में एक सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय तिरंगा है वो फहराया गया। मेरे साथ इस वक्त सनी महाजन जी है, उनसे बातचीत करेंगे। सनी जी, 130 फीट के आसपास जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, क्या कहना चाहते हैं, कैसे मन में विचार आया और क्या मोटिव है इस तिरंगे को फहराने का? जैसे कि आपने कहा कि आन बान और शान है तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है तिरंगा, तो आज प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट में 130 फीट ऊंचा भारतीय ध्वज लहराया गया है, और हमने जो जोश आज महसूस किया है, जैसे जैसे ये तिरंगा ऊपर जा रहा था, हर एक बच्चा, हर एक यूथ यहाँ जो बैठा था रोंगटे खड़े हो गए थे उस माहौल में। एक देश भावना के प्रति जो आज हमारा यूथ डिविएट हो रहा है, देश प्रदेश के प्रति भावना पैदा करना, यूथ को एहसास दिलवाना कि हम एक भारत देश जो कि एक विश्व शक्ति बनता जा रहा है, अपने आप में एक सक्षम बात है। हमने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था, क्या उनके मन में कुछ भावनाएं आपके द्वारा प्रेरित करने के लिए ऐसा प्रयास किया? सर, देखिए, जब एक छोटा बच्चा 3 या 4 साल का होता है, उसे नहीं मालूम होता कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज की क्या ताकत है, वो कैसा दिखता है। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रत्येक बच्चे पहचाने अपने ध्वज को, उस शान को, उसके मान को वो ऊपर लेके जाए और उसको अपने दिल में बसाए, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चा है, वो राष्ट्रीय ध्वज की शक्ति को समझ सके और भारत माता की जय और भारत को आगे लेके जा सके। जी बिल्कुल, ओशिन महाजन जी हमारे साथ हैं। मैम, जब राष्ट्रीय ध्वज हमने देखा कि जैसे फहराया जा रहा था, जिस समय ऊपर जा रहा था, क्या फीलिंग थी उस समय मन में? सर, हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि हमारा स्कूल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेशनल फ्लैग को, और साथ में हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों में आजकल छोटे से लेके बड़े बच्चों तक ये हमें इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है कि पेट्रियाटिज़म की फीलिंग, एक जो बॉर्डर में एक सिपाही है जो एक फ्लैग के लिए हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए इतना फाइट करता है, तो हमें आज के बच्चों को ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है, पेट्रियाटिज़म की फीलिंग, फ्लैग की फीलिंग। और मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चों ने बहुत पेशेंटली इस चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने डांस परफॉर्म किया, सॉन्ग्स, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स परफॉर्म किए। हमने एक चीज़ और देखा है कि जब बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, एक भावना थी उनके दिल में, वो देशभक्ति के गाने, उस तरह का माहौल बना हुआ था, कैसे देखते हैं इन सबको आप? बहुत अच्छा मैसेज जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमारा भारतीय ध्वज भी है, ऑरेंज कलर डिपिक्ट करता है करेज और स्ट्रेंथ, व्हाइट कलर डिपिक्ट करता है पीस, और उसमें जो ब्लू धर्म है वो डिपिक्ट करता है ट्रुथ, और जो ग्रीन कलर है वो डिपिक्ट करता है अबंडेंस, ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड ऑस्पिशियसनेस। तो ये सब चीज़ें मिलकर जब हमारा जवान भाई जो बॉर्डर पे वहाँ बैठा है और पूरे बॉर्डर को वो संरक्षित रक्षा करते हैं और अपनी जान पर खेल जाते हैं,
तो बच्चों को वही मैसेज दिलवाना है कि इस ध्वज की आपको रिस्पेक्ट पूरी करनी चाहिए, और जितने भी हमारे फौजी भाई हैं जो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, झंडे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए बहुत सल्यूट है अपने दिल से और प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट की तरफ से। कैसे रेडी हुआ, कैसे तैयार हुआ और इतना ऊंचा, कितना टाइम लग गया इन सब में, थोड़ा इस पर भी? बहुत ही अच्छा सवाल सर। करीब 3 महीने पहले हमारे मन में विचार आया कि एक भारतीय ध्वज यहाँ पर स्कूल परिसर में होना चाहिए, क्योंकि हम मामून आर्मी के पास हैं और यहाँ पे लगभग एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कैंटोनमेंट एरिया भी माना जाता है। 3 महीने की प्लानिंग में डिज़ाइनिंग, फ्लैग डिज़ाइनिंग, पोल इरेक्शन, वो सारा प्रोसीजर कराया गया, जो कि गाज़ियाबाद की कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेट करके किया। कितना समय लग जाता है एक बार ध्वज को ऊपर जाने में? सर, एक बार ध्वज को ऊपर जाने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है, पर वो 4 से 5 मिनट आप मानिएगा नहीं, ऐसा लगता है कि वो पूरे 4-5 साल के बराबर वो आप उसके जोश को आप फील कर पाए। हमने देखा कि आपके परिवार द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है कि देशभक्ति के साथ जो नौजवान पीढ़ी है वो जुड़ सके। आज राष्ट्रध्वज की बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले एक चोपर यहाँ पर लगाया गया था, क्या मोटिव है, थोड़ा इसके बारे में? सर, आपको याद होगा जब पठानकोट एयरबेस स्टेशन पे अटैक किया गया था तो वहाँ पे कुछ हमारे एयरफोर्स के जवान शहीद हो गए थे, तो उनकी शहादत में उनकी याद के लिए हमने यहाँ पे एयरफोर्स हेलीकॉप्टर उसी साल यहाँ पे इनॉग्रेट किया और इंस्टॉल किया। वो उनकी मेमोरी के लिए था कि जो जवान और जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स शहीद हुए, जंग में शहीद हुए और उस लड़ाई में शहीद हुए, उनकी याद में और उनके एक मेमोरियल ट्रिब्यूट देने के लिए ये हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का यहाँ पे इंस्टॉल कराया गया। बिल्कुल, राष्ट्रध्वज की कई मर्यादाएं भी रहती हैं, क्या उन सब बातों पे खरा उतर पाएगी आप सब? बिल्कुल सर, हमने ये सारी प्रोटोकॉल को पहले ही स्टडी किया, सारी प्रोटोकॉल को फुलफिल कराते हुए हमने वो सारी नियम कानून को अंडरस्टैंड करते हुए हमने ये फ्लैग इंस्टॉल करने की डिसीजन लिए हैं। तो जब हमने ये सब अंडरस्टैंड करने के बाद ये डिसीजन लिए तो हम निश्चित रूप से उसके पालन भी करेंगे। बिल्कुल, क्या आगे भी ऐसे प्रयास रहेंगे कि बच्चों को देशभक्ति के साथ या समाज के साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसे प्रयास चलते रहेंगे? बिल्कुल सर, और हमें, मुझे लगता है कि बीइंग अ स्कूल के डायरेक्टर होने के उससे हमें बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, और सिंस बिगनिंग ही सिखाना चाहिए ताकि बच्चे बड़े होने तक बच्चों में ये भावना रहे। सर, कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? आन शान और बान है तिरंगा, और दिल का हमारी धड़कन है तिरंगा, और अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस तिरंगे को ज़रूर पहचाने, इसकी रिस्पेक्ट करें, और अपने भारतवर्ष के हम भारतवासी हैं, हमें पूरे दुनिया में अपना डंका बजाना है और बताना है पूरे विश्व को कि भारत एक विश्व शक्ति के रूप में आ रहा है और विश्व शक्ति एक ना एक दिन बन के दिखाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सनी महाजन जी, जिन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराने के बारे में सोचा, और इनका जो मोटिव है कि हमारी जो यूथ जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके मन में देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। पठानकोट से जतिन शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।